इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक स्केल को बजाते हुए 6 अलग स्केल्स और उनसे मिलने वाले अलग अलग ब्यूटीफुल इमोशंस, ब्यूटीफुल फील्स का एहसास ले सकते हैं। ये बेसिकली मोड्स के एप्लीकेशन का वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक स्केल आप बजाएंगे और उससे अलग अलग स्केल्स में आप एंटर करेंगे, वहां पे प्ले करेंगे और किसी अलग स्केल में जाएंगे। इतनी स्केल्स होने के बावजूद भी हमें सिर्फ 7 नोट्स का इस्तेमाल करना है। सो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से आप अपने प्लेइंग को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं और इसका आपके रेगुलर प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। हम बात करेंगे, क्या मेजर स्केल है? नहीं, हम बात कर रहे हैं ए लेडियन स्केल की, जहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शार्प, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, या अगर हम सारे गामा में बोलते हैं तो ये म तीव्र है, तो रूट उसकी ए नोट है। सो ये स्केल कैसी है? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बॉलीवुड में हैं, हिंदी सॉन्ग्स हैं, रीजनल सॉन्ग्स हो सकते हैं, जो इस स्केल पर आधारित हैं। अगर आपको इस स्केल के सॉन्ग्स को या उनमें बनाए गए हुए म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज करना है और ब्यूटीफुल बनाना है तो इस टेक्निक का आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को। ये जो लेडियन स्केल है वो मेजर स्केल का एक मोड है। मैंने मेजर स्केल के मोड्स के बारे में एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और मोड्स को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो अगर हम किसी मेजर स्केल को लेते हैं तो उस मेजर स्केल की फोर्थ डिग्री को सा बनाते हुए जो स्केल बनेगी, उस स्केल की हम बात करते हैं, वो है लेडियन स्केल। इसकी नोट्स हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ए बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए, ये नोट्स हैं। अगर हम शुरू करते हैं ई से और आगे जाते हैं ई तक, फिर नीचे आते हैं, सेम नोट्स, ये बनती है ई मेजर स्केल। सो ए लेडियन स्केल जो है वो ई मेजर स्केल का एक मोड है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, ए लेडियन स्केल बजाते हुए सिर्फ ई मेजर नहीं बल्कि अलग अलग स्केल्स बजाएंगे और उन स्केल्स में रहेंगे, वो फील लेंगे और आगे जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बताता हूँ, ये होता है कि स्केल हम अगर अलग अलग स्केल्स हमें बजाने, हम लोग क्या करते हैं कि स्केल में कौन सी स्केल डिग्री फ्लैट होती है, शार्प होती है, ये पढ़ते हैं, याद रखते हैं और बजाते हैं, लेकिन हम उस स्केल में घुसते ही नहीं हैं, हम उस स्केल का फील ही नहीं ले सकते। तो इस मोड की प्रैक्टिस से आप एक साथ अलग अलग स्केल्स में प्रवेश करेंगे, उनके फील्स में क्या डिफरेंस है वो जान सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस ए लेडियन स्केल को बजाने के वक्त मैं ए मेजर कॉर्ड लेता हूं, उसी के साथ मैं एक बार ए लेडियन स्केल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके आता हूं, जिससे मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि मैं अभी कौन सी स्केल में हूं, ए लेडियन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे मैं ऊपर जाता हूं, नीचे आते वक्त देखिए मैं क्या करता हूं, हाँ ये क्या है, तो ई मेजर स्केल का ये कोई मोड है। कौन सा मोड है? एओलियन मोड है, लेकिन कौन सी स्केल का? ई मेजर स्केल का। जैसे ई मेजर स्केल का ए लीडियन जो हमारी ओरिजिनल स्केल है जहां से हम शुरू करते हैं उसका लीडियन मोड है, तो उसी तरह से ई मेजर स्केल का एओलियन मोड है सी शार्प माइनर, सी शार्प एओलियन स्केल, या फिर सी शार्प नेचुरल माइनर स्केल है वो। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से सी शार्प माइनर कॉर्ड बजाएंगे और राइट हैंड से वो जो सी शार्प नोट है वहां से शुरू करते हुए आगे जाएंगे, सी शार्प तक ही जाएंगे, इस तरह से नीचे आइए, लेकिन आते वक्त सी शार्प पे रुकिए या फिर सीधे आइए। अब जब ये बजाते हैं ना, सी शार्प से शुरू करते हुए सी शार्प तक नीचे आते हैं और लेफ्ट हैंड से सी शार्प माइनर कॉर्ड देते हैं, तो आप ये काइंड ऑफ अपने लिए भी एस्टैब्लिश करते हैं कि आप सी शार्प एओलियन स्केल में या सी शार्प नेचुरल माइनर स्केल में खेल रहे हैं। तो फिर से
ठीक है। फिर से अगर आप चाहते हैं कि और एस्टैब्लिश हो सी एओलियन मोड, सी शार्प एओलियन मोड, तो फिर से आप बजा सकते हैं। अब हम जाते हैं उसका जो मेजर स्केल मोड है, अब जाते हैं एफ शार्प। अब देखिए हम क्या करते हैं, यह है बी मिक्सोलिडियन। अगर लगता है कि नहीं एस्टैब्लिश नहीं हो रहा ठीक से, वो पता नहीं चल रहा, वो फील नहीं आ रहा, सारे गम पता नहीं सा सानी धा पा, अब जाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स मोड पे जो है जी शार्प फ्रीजियन। देखिए मैं जी शार्प से जी शार्प, बजाते वक्त आप क्या सोच सकते हैं, तो जिस स्केल से हमने शुरू किया, हमने कौन सी स्केल से शुरू किया, इस स्केल से शुरू किया, तो इसमें जो कोई नोट्स आते हैं हम उन्हें याद रख सकते हैं, कीज याद रख सकते हैं, और उनमें सिर्फ खेलना है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि शुरू करना है उस मोड से, ये लॉकरियन मोड, उसको मैं कह सकता हूं कि एक फ्रेज को मैं नीचे नीचे लेके आया, लेकिन लेफ्ट हैंड से मैंने बस ये दिखाया कि मैं कॉर्ड चेंज कर रहा हूँ। ये पूरा फ्री ओशियन है, आपके पास एक स्केल है जिससे आप शुरू करते हैं और छह स्केल्स आपको मिलती हैं, तो हम जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं हम उन स्केल्स के अंदर जा सकते हैं। तो ये उसका हम बोल सकते हैं कि उसकी ये प्रैक्टिस है, उसका ये फ्रीडम है बजाने के लिए, और आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बी के बाद मैं जाऊँगा F शार्प पे, देखिए इसके बाद मैं जब उस नोट का मतलब उस नोट पे रुकता हूं जिस स्केल में हमें प्रवेश करना है, जैसे यहां पे मुझे जाना है, तो यह है F शार्प से बनने वाली स्केल जो है एक्चुअली डोरियन स्केल है। F शार्प डोरियन इस स्केल का मोड बनता है। कौन सी स्केल का मेजर स्केल कौन सी है अपनी, ई मेजर स्केल। तो मैं बस ये करूँगा कि अपने लिए उस चीज़ को और मजबूती से दर्शाने के लिए मैं उस नोट के ऊपर जाऊँगा, जैसे इसके बाद। अब यहाँ पे एक बार जाते हैं, अगर आपको लगता है कि और आपको उसका स्ट्रांग पिक्चर चाहिए उस स्केल का, आप ये कभी भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं ए पे, यहां पे आप सिर्फ स्केल नहीं बजा रहे हैं, आप उस स्केल को और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए और थोड़ा खेलते हुए उस स्केल को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए अलंकार जो बोलते हैं फ्रेजेस को ऊपर लेके जाना नीचे लेके आना उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो बेसिक्स में सीखा होता है, स्केल्स होती हैं, इवन मोड्स भी मैं बोलता हूँ कि बेसिक में आते हैं, म्यूजिक थियरी का बेसिक्स में आते हैं, तो जब आप
उन्हें सीखते हैं, उन्हें जानते हैं, तो ये करना है जिससे आप एक्चुअल में उनका एप्लीकेशन किस तरह से किया जा सकता है वो सीखेंगे। इवेंचुअली क्या होता है, आप जो म्यूज़िक सीखते हैं आप सिर्फ ज्ञान नहीं लेना है हमें, ज्ञान लेते हुए उस ज्ञान को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ताकि सबसे पहले आप खुद बजाते हुए खुश हों। मैं जब भी आपके लिए वीडियोस में बजाता हूँ ना, आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन आई एम प्लेइंग। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा आधा ध्यान आपके पास होता है, लेकिन किस कैसे मैं उस म्यूज़िक को एंजॉय करता हूँ और मैं घंटों बजाते रह सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं जो बजा रहा हूँ। तो जब तक मैं खुद एंजॉय नहीं करूँगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं सिखा नहीं सकता हूँ, मैं किसी और को, मेरे ऑडियंस को हैप्पी नहीं फील करा सकता हूँ। तो ये टेक्निक है जो आपने सीखा है बेसिक्स के तौर पे, जो नॉलेज होता है, थियोरी होती है, उसको इस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो इन शॉर्ट मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। तो सबसे पहले हम किसी भी स्केल को उठा सकते हैं जो किसी मेजर स्केल का मोड हो सकता है। हमने लीडियन स्केल को उठाया। लीडियन स्केल मेजर स्केल की फोर्थ स्केल डिग्री को सा मानते हुए जो स्केल बनती है वो है। ओके, तो अगर यह है मेजर स्केल, उसका सारेगामा ये जो है इसको सा बोलिए, अब सारी वही नोट जो ई मेजर स्केल में आते हैं और लेफ्ट हैंड से मैं कॉर्ड दे रहा हूं। जब आप शुरू करेंगे ना फ्रेंड्स, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग अदर देन के कौन से मोड्स हैं और कौन सी नोट्स हैं जो ई मेजर स्केल के लिए आप यूज करेंगे, क्योंकि वही नोट्स किसी स्पेसिफिक नोट को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको स्केल बनाने में मदद करेंगे। अलग अलग स्केल्स हैं, फास्ट भी अगर आप बजाएंगे, बिना रुके अगर आपको बजाना है तो आपको उस स्केल के सारे नोट्स का और उनके मोड्स का पता होना चाहिए। अब एफ शार्प, फ्रीली बजा रहा हूं फ्रेंड्स, सॉरी। म्यूजिक प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट।